बेटे को बाप को चप्पल पहनानी चाहिए और पापा मुझे पहना रहे हैं। कैसा टाइम आ गया। पापा को भी मैंने अभी तक नहीं बताया था, पापा को मैंने अब बताया। इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई वीडियो डालो, क्या इम्प्रूवमेंट आई, क्या इम्प्रूवमेंट। तो अभी तक ये इम्प्रूवमेंट है भाई, ये इंसान बहुत बोलता है। बोलो। मैं मेरी बंद हो रखी है, मैं क्या बोलूंगा। यहाँ पे अभी पैर उठना स्टार्ट हो गया है इतना। कैसा फील हो रहा है भाई? ऐसा लग रहा है कि शरीर के अंदर से जान निकल रही है, और जैसे ही पैर उठाते जान निकलती है, पैर वापसी रखते जान वापिस आ जाती है। ये भाई सेल्फ है, बहुत सही। वो भी आवाज मारती है कि गई, छोड़ दे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले 4-5 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और ये अभी मैं अपने किसी फ्रेंड के घर पर आया हूँ, और पापा मुझे लेकर आए हैं। वो सामने बैठे हैं, और टीवी भी दिखाओ। पापा को यहाँ पर आई थिंक 4-5 दिन हो चुके, 5 दिन हो गए, और पापा सीरियल देखते रहते हैं। पता नहीं कौन कौन से सीरियल, टाइम पास भी तो करना, मैं भी उनके साथ देखते रहता हूँ, मेरे को भी आदत डल गई। और कोको को देखो, यहाँ अंडे पड़े हैं ना, इसलिए यहीं बैठा रहेगा जब तक अंडे खत्म नहीं होंगे। और आज का सीन क्या है, आज हमें जाना है एक्सरे कराने के लिए, फिजियो चल रही है। एक्सरे किस लिए कराएंगे, चेक करने के लिए जो हमारी बोन है वो कितनी जुड़ गई है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ उसमें आ गई है। अगर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ गई होगी तो इस पैर पे हम भार डाल सकते हैं, इस पे नहीं डाल सकते। अगर अभी भी थोड़ा बहुत रहता होगा, फिर 1-2 हफ्ते हम और फिजियो करेंगे, उसके बाद इसमें भार डालना शुरू करेंगे। और वो सामने वॉकर देख रहे हो, ये संतोष का वॉकर है। संतोष को इसी वॉकर की नीड पड़ी थी, आज ये मैं यूज कर रहा हूँ, बस भगवान करे आगे किसी को यूज ना करना पड़े। ब्रेक लगा देना, ब्रेक पकड़ लीजिए। ये इसका ब्रेक ब्रेक नहीं, ये ऊपर नीचे जाने वाला है। नया बंदा ना, पहले इसको व्हीलचेयर के बारे में पूरा समझाना पड़ेगा। पीछे से ब्रेक लगा रहा है, अभी नीचे कर देता। ये नीचे खटका दे, छोड़ उसको, अटक क्या नहीं देगा। कोको क्या ना, नहीं जाने दूंगा, चलो। कोको भाई हमसे काबू लिया था, सिर्फ पापा से ही आता है। अभी चाटा बढ़ा रहा, अब पीछे चला गया। और आपको मेन रीजन बताऊं यहाँ पर शिफ्ट होने का, एक्चुअली क्या था, हमारे पास स्टेयर्स बहुत ज्यादा थी, और बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। हम घर से जब निकले थे डॉक्टर को दिखाने निकले थे, उसके बाद फिर मैं ट्रक दोस्त के घर पे आ गया। यहाँ पर व्हील चेयर भी आराम से घूम सकती है, और लिफ्ट भी अब आराम से नीचे जाऊंगा, एक्सरे करा के वापसी आ जाऊंगा, दिक्कत नहीं होती। वहाँ सीढ़ियों से उतरना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था, अगर आपने वो पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें स्ट्रेचर में रख के ऊपर चढ़ाया था, बहुत दिक्कत हुई थी। चले पापा, तो पहले मेरे को ना पैर उसके ऊपर रखने पड़ते थे, उसके वो थे, अभी मैं पैर ऐसे रख सकता हूँ, तो ये इम्प्रूवमेंट है। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि भाई वीडियो डालो, क्या इम्प्रूवमेंट आई, क्या इम्प्रूवमेंट। तो अभी तक ये इम्प्रूवमेंट है आपकी दुआ से, आपकी दुआ से। ये वाला पैर इतना फोल्ड हो रहा है, और ये वाला थोड़ा सा कम हो रहा था, धीरे धीरे हो जाए। थोड़ी सी तिरछी कर दो, ऐसे ऊपर से तिरछी कर दे भाई, नहीं चली जाएगी, चली जाएगी। कारपेट पर अंकल आराम से, नहीं नहीं चली जाएगी अंकल। ये इतने दिनों बाद अपनी स्विफ्ट में बैठेंगे, और आज मैं सोच रहा हूँ आगे वाली सीट पे बैठ के जाऊँ, बिकॉज पैर मेरे फोल्ड हो जाते हैं। सोच रहा हूँ अब बैठने टाइम देखेंगे। बेटे को बाप को चप्पल पहनानी चाहिए और पापा मुझे पहना रहे हैं। कैसा टाइम आ गया अपना, कर दूँ। नहीं नहीं बस ऐसे ही रहने दो। तो मेरे भाई वाह, हमारे पास बंदे कम थे इसलिए हम दिखा नहीं पाए कि मैं कैसे बैठा। तो संतोष ने मेरे को गोदी में उठाया, पापा ने पीछे से व्हील चेयर उठाई, यहाँ बिठा दिया, फिर उसके बाद हमने अपनी टांगे अंदर कर ली। अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। चले भाई, चलो भाई। कैसा लग रहा है आपको आज बैठ के? बढ़िया लग रहा है आगे बैठ के। तो इतने टाइम से हमने व्लॉग नहीं करा ना, खुद फोन उठा के अपना, तो वो बिल्कुल आदत ही छूट गई। और पहले मेरे दिमाग में आता कि भाई यूट्यूब क्विट कर दूं, और अभी भी दिमाग में बहुत सारी सोच चल रही है, बिकॉज इतने टाइम में ये जो महीना बीता है ना, इसमें मैंने इतनी सारी चीजें देख ली है ना कि भाई, मतलब वो चीज़ें मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता। बाकी एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, जो हमारी कैरेवन थी ना वो हमने बेच दी है। अब वो बेची क्यों है, बिकॉज वहाँ पर हमारा नेपाल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया।
और इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, थे लेकिन आधे से ज्यादा मैंने बाइकों में लगा रखे थे, एक मैं घर बना रहा हूँ अपने लिए उसमें लगा रखे हैं, तो जितने भी हमने कमाए थे सारे के सारे लगा रखे, थोड़े बहुत अकाउंट में थे, उससे काम चल नहीं रहा था और कोई भी बाइक बेचने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने सोचा कैरवैन बेच देते हैं, अभी वो इतनी यूज में भी नहीं आ रही, देखो काम करते रहेंगे पैसे हम फिर कमा लेंगे, गाड़ी हम फिर बना लेंगे, मतलब जान है तो जहान है, उस टाइम मेरे को यही समझ में, तो मैंने ये किया। पापा को भी मैंने अभी तक नहीं बताया था, पापा को मैंने अब बताया। आप एक ही बार बैठे थे ना उस गाड़ी में? चलो शुक्र है एक बार तो बैठे थे, कोई ना बैठता भी क्या बेटा, तू साथ सब कुछ है मेरे पास। हाँ ये तो है, दोबारा बनाएंगे वो गाड़ी, कोई बात ही नहीं, ठीक है ना, और अच्छी बनाएंगे, और अच्छी बनाएंगे और मस्त बनाएंगे, और बढ़िया बनाएंगे, तो नहीं बैठा फिर घूमने भी जाएंगे, ठीक है। पापा ने मुझे प्रॉमिस भी करा है जिस दिन तू चल पाएगा ना, मतलब गाड़ी वाड़ी चला लेगा, तेरी टांगे एकदम ठीक हो जाएगी 2-3 महीने बाद, तो पापा मेरे साथ घूमने जाएंगे, भले ही 10 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए, लेकिन मेरे साथ जाएंगे, लेकिन उनकी शर्त है गाड़ी पे जाएंगे, ठीक है, डन है ना। मैंने तभी सबके सामने बोल दिया कि प्रूफ रहेगा, ठीक है। पुराना एक्सरे तो लाए नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो ये है हमारे एक्सरे और पहले से बोन जुड़ चुकी है, पूरी नहीं जुड़ी लेकिन हाँ कह सकते हैं 60% 70% जुड़ चुकी है, और दूसरे वाला पहले बहुत अलग था, अब तो जुड़ चुका है। अगर तुम अगर इस वाले एंगल से देख रहे हो ना, ये वाले एंगल से तुम्हें अलग दिख रहा पूरा, बट जब तुम सीधी जब तुम पूरे टेढ़े हुए थे ना अंदर की साइड से, तब ये जुड़ गया, देखो ये। ओके। इसका पुराना एक्सरे में देखोगे ना तो ये बहुत गैप था यहाँ पे। हाँ पुराना एक्सरे भी हमने वीडियो में डाला हुआ है, कंपेयर कर लेना, काफी फर्क आ गया है, बहुत फर्क आ गया। चलो भाई बहुत दिनों बाद चप्पल पहनी है मैंने, कुछ नहीं बना भैया ना, आप तो जो सर आते हैं ना हमें फिजियो कराने के लिए, वो पिछले 3 दिन से कहते भाई एक्सरे करा लो उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन मेरी जान सूखती थी क्योंकि इसमें बहुत सारा ना मुश्किल टास्क है। सबसे पहले गाड़ी में बैठना है, सबसे पहले तो नीचे आना, चलो अपने पास लिफ्ट है आराम से आगे गाड़ी में बैठना है, फिर निकलना है, फिर उसके बाद जब वहां पर लेटाते हैं ना उसके बाद टांग मोड़ते हैं, नहीं ऐसे उसमें जान निकल जाती है। अभी पेन चालू हो गया, ज्यादा एक्सरसाइज करो ना तो पेन शुरू हो जाता है, अभी घर जाके 3-4 घंटे आराम करूंगा अपनी डाइट लेके, उसके बाद ठीक हो जाएगा। कितने दिनों बाद स्कूल की बस देख रहा हूँ, मैंने एडमिशन नहीं मतलब बाहर निकला ना, तो बड़े सारी चीजें बहुत दिनों बाद दिख रही हैं। स्कूल बस छुट्टी मिल जाएगी, नहीं छूटे तो गाड़ी में ही मिल रहे हैं। ये कौन आ गया भाई? वेलकम बैक होम। इधर काटो मेरी तरफ काटो, पूरी काटो गाड़ी। हाँ ले जाओ। कोको क्या हुआ है? कोको कह रहा मेरे को भी दिखाओ एक्सरे रिपोर्ट में क्या आया। अरे मेरे पास नहीं है कोको। चक्की फिर शैतानी। ये देखो इसको बड़ा मजा आता है मेरे साथ खेलने में, यही मेरा एंटरटेनमेंट करता है। तो एक हमारी ये मेडिसिन चल रही है कैल्शियम के लिए D3, और इसको मिल्क में मिला के पीना होता है। पहले उसमें रखा था, ठंडा नहीं हो रहा था दूध, फिर हमने बड़े वाले ग्लास में डाला। ओए कोको, कोको इसको बाहर से ना बच्चों की आवाज आ रही है इसलिए बाहर देख रहा है। अच्छा बाय कोको, बाय बाय के नाम पे तो बड़ी जल्दी देखेगा। इसको ये वाला पिलो लेना है जिसके लिए ये अपनी जान की बाजी भी लगा सकता है।